थाना परिसर से एक लड़की के गुम होने के बाद परिजनों ने थानेदार पर ही लगाया लड़की भगाने का आरोप। मामला भागलपुर की तातारपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पूर्णिया जिले की रहने वाली एक लड़की सुनीता कुमारी पिता फुलेश्वर मंडल थाने से अचानक गुम हो गई। मामले को लेकर लड़की के परिजनों ने थाना पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान थाने के पदाधिकारी के द्वारा परिजनों के साथ धक्का मुक्की भी की गई, ऐसा भी लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है। वहीं गुम हुई लड़की के पिता ने बताया कि मेरी बेटी ततारपुर थाना क्षेत्र के लॉज में रहकर पढ़ाई करती थी और उसे किसी अमन नाम के लड़के से प्यार हो गया था जो बांका जिला का रहने वाला है। मामला गड़बड़ाता देख पुलिस की मदद से हम लोगों ने लड़की को थाने पर लाया, पर लड़की अपने परिवार व पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर थाना परिसर से ही गायब हो गई। वहीं मामले में परिजनों ने थाना के पदाधिकारी पर ही लड़की के गुम होने का इल्जाम लगाया। वहीं ततारपुर थाना प्रभारी अनिल शाह ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़की का किसी लड़के से प्रेम चल रहा था और लड़की बालिग है और वो अपने माँ पिता की बात से बाहर है। हम लोग शहर से निकलने वाली शोभा यात्रा में व्यस्त थे। हालांकि लड़की के परिजनों ने आवेदन दिया है, मामले की जाँच की जा रही है। हम लड़की को ले जा रहे थे सर। अच्छा। लेट गया तो थाना पकड़ लिया। थाना में आया तो बोला कि मम्मी पापा को बोला, पहले धक्का मार दिया हम लोग को, निकलो तुम लोग, मम्मी पापा आएगा ले जाना। मम्मी पापा आया तो लड़की फिरा रहे यहाँ से। लड़की कहाँ गई पता नहीं? नहीं है पता सर, यही लोग भगा दिया। लड़की को लेके आप यहाँ आए थे? हाँ आए थे, थाना प्रभारी को लाया है वही। अच्छा, बैठाए थे जी। आप लोग कहाँ चले? धक्का मार के भगा दिए, इसलिए बैठे हैं। हाँ। बगले में बैठे हैं, भगा दिया लड़की को। हाँ, मम्मी पापा आया भगा दिया। कौन भगाया? थाना परवारी भगाया। लड़की कहाँ गई पता नहीं आपको? नहीं पता नहीं है, लॉज में भी नहीं है। लॉज में भी नहीं। की नाम मिलो तुरो? फुलेश्वर मंडल। कहाँ घर मिलो? प्रियंकर। प्रियंकर कौन थाना पड़ी से? धमदा थाना। अच्छा, मतलब मामला यही छे कि लड़की के थाना से भगेला छे? तो ऐसे निक पता छौ? हां पता, पूरा पता यहां से देत रहे। वहां से लड़की पकड़ी के लान लेत ले थाने? हां थाने यहां ले के आबर है, और लेटी गेले तो ऐसे थाना में पकड़ी लेके चल के ले चलो थाना ले चलो। अगला दिन भाग ले यहां से, गायब कर दिया। अभी कहां गेल छलो पुलिस के साथ? लॉज खोजे ले? हां नहीं मिलला लॉज में, नहीं है वहां लिखित कर दिए हम लोग। लड़की जकरा साथ, जो लड़का के साथ छिलो, लड़का कहाँ कोच के? लड़का का पता दे रहे हैं। नाम आधार कार्ड है? आधार कार्ड से ठीक है। क्या नाम है? फुलेश्वर मंडल। सूबे के महामहिम राज्यपाल सह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय सीनेट की बजट को लेकर बैठक में पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। विश्वविद्यालय के लिए यह पहला मौका है जब कुलाधिपति सीनेट की बैठक में शिरकत किए। राज्यपाल के पहुँचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल के द्वारा कुलाधिपति को पुष्पगुच्छ व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उसके बाद कुलगीत और स्वागत गान से बैठक की शुरुआत हुई। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीनेट में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 6.73 अरब के बजट पर वार्ता के लिए बैठक रखी गई। यह बैठक TMBU अंतर्गत सुंदरवती महिला महाविद्यालय में आयोजित की गई। बैठक के दौरान तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रति कुलपति, रजिस्ट्रार के अलावे सभी सीनेट के सदस्य मौजूद थे। वहीं सीनेट की बैठक के बाद कुलाधिपति कुप्पा घाट आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने साधु संतों से मिलकर कई बिंदुओं पर वार्ता की। कर सकते हैं ना हम सभी मिलकर, मेरा अकेला कुछ काम नहीं है। मैं इसीलिए अधिशत की बैठकों में जाता हूं कि आप साथ, आपके साथ बैठूं, चर्चा करूं, विमर्श करूं, आपका मत क्या है, आपका विचार क्या है, इसको मैं समझ सकूं। राजभवन में बैठकर मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं आज 5 घंटे प्रवास करके पटना से यहाँ आया हूँ इसी कारण, ताकि मैं आपके विचार समझ सकूं। मुझे इसमें गर्व नहीं है कि मैं 5 घंटे प्रवास करके आया हूँ, मुझे इस बात की संतुष्टि है और गर्व है कि मैं आपसे मिल सका, क्योंकि आप ही विचार करें थे इस विश्वविद्यालय का। विश्वविद्यालय के सामने बहुत सारे प्रश्न होते हैं, आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से हमारे यहाँ परीक्षाएं समय पर नहीं होती।
मैंने जब मुझे जब मैं यहाँ आ गया बिहार में, तो मेरे सामने प्रश्न था कि समझ परीक्षाएं विलंब से होती है, ऐसे कभी मैंने सुना नहीं था। बताया गया कि मैं गोवा से आता हूँ, गोवा में ऐसी कभी बात नहीं हुई, कभी परीक्षाएं विलंब से हुई ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इस विश्वास के साथ आने चाहिए कि मेरी एग्जाम आने वाली एग्जाम समय पर ही होगी, त्रुटियां कुछ भी हो सकती है। अभी यहाँ मामला आ रहा था CBCS का आ रहा था और कुछ बाकी के मुद्दे आ रहे थे, कैसे 3 साल की या 4 साल की बैठक पर परीक्षा होती है, बैठक सत्र होते हैं वगैरह, ये सब टेक्निकल बातें हैं, तकनीकी है, तकनीक है, कुछ नहीं उसमें, उसको हम बैठकर सुलझा सकते हैं। परंतु समय सीमा पर मेरे बच्चों की एग्जाम्स होने चाहिए, इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं पीड़ा होनी चाहिए। हम कहते हैं बहुत बार, मैंने सुना यहां आने के बाद हमारे नेता भी कहते हैं, सभी राजनीतिक दल के, किसी एक राजनीतिक दल पर मैं आरोप नहीं करूंगा, सभी के सभी कहते हैं कि हमारे यहाँ परीक्षाएं समय पर नहीं होती, क्या नहीं होता, इसने कारण जानने का मैंने पूछा कारण क्या है, तो ये इधर उधर के कुछ कारण बताते रहते हैं, खुद पर उसका दोष लेना नहीं चाहता कोई। हम इसका कारण है कि हमारे बच्चे समय पर यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते। मुझे ऐसा भी सुनने को मिला था कि यहाँ कॉलेजों में टीचर्स नहीं आते इसीलिए छात्र नहीं आते इसीलिए प्रोफेसर नहीं आते, ऐसा एक सर्कल, दुष्ट चक्र जिसे कहते हैं, ऐसे चक्र चलता रहता है, विशेष सर्कल, यहाँ इसको कहीं ना कहीं तोड़ना पड़ेगा। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, हमारी परंपरा रही है इस प्रदेश की, नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसा विश्वविद्यालय, पढ़ाई की इतनी उज्जवल परंपरा अपने पूरे देश छोड़िए दुनिया भर में कहां नहीं है, लेकिन ये इतिहास हो गया। वर्तमान क्या है, दुनिया भर से सभी लोग यहां आते थे पढ़ाई करने के लिए, ये अपना इतिहास हो गया। आज के दिन हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, मुंबई में जाते हैं, पुणे में जाते हैं, चेन्नई में जाते हैं, कोलकाता में जाते हैं, कहीं भी बेंगलुरु में जाते हैं, क्यों जाते हैं हमारे बच्चे बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ की पद्धति ठीक ढंग से नहीं चल रही है, इसका दोष हमारा ही है, इसका कारण हम ही है, मुझे लगता है इसको सुधारने की आवश्यकता है। भागलपुर में साइबर ठगी करने वाला एक गिरोह काफी सक्रिय हो गया है। इस गिरोह के द्वारा मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल करवा दिया जाता है, जिसके बाद चुटकी में मोबाइल से लाखों रुपए बैंक के माध्यम से किसी और के खाते में ट्रांजैक्शन हो जा रहा है और लोग देखते देखते ठगी का शिकार हो जा रहे हैं। इस तरह की ठगी का सबसे अधिक शिकायत भागलपुर के गोराडी थाना क्षेत्र से मिल रही है। गोराडी थाना क्षेत्र के जोगिया का रहने वाला राजेश कुमार ने एक व्हाट्सएप ग्रुप से एक ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया था, जिसके बाद 15 मार्च की रात को 1 बजे के आसपास उनके बैंक अकाउंट से 3 ट्रांजैक्शन के माध्यम से 6 लाख की निकासी बिना राजेश कुमार की जानकारी के हो गया। सुबह में जब राजेश कुमार को मैसेज के माध्यम से यह जानकारी मिली तो उसने गौर किया कि उसके मोबाइल पर आने वाला सभी मैसेज किसी अनजाने नंबर पर फॉरवर्ड हो जा रहा है और इसी क्रम में किसी ने उसके इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड बदलकर ट्रांजैक्शन कर लिया। उसके मोबाइल पर जो भी OTP आया वो ऑटोमेटिक किसी अनजाने नंबर पर फॉरवर्ड हो गया और बैंक से 3 ट्रांजैक्शन के माध्यम से 6 लाख की निकासी हो गई। ऐसी ही शिकायत कासिल गांव के रहने वाले मनीष कुमार के साथ हुई, जिसके खाते से 5100 की निकासी कर ली गई। इस तरह की ठगी का शिकार होने के बाद दोनों भागलपुर के साइबर थाना पहुंचे और वहां अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन दोनों का कहना है कि साइबर थाने के द्वारा अभी तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि साइबर थाने को ऐसे मामले पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। मनीष कुमार ने बताया कि उसके गांव में कई व्हाट्सएप ग्रुप पर यह एप्लीकेशन ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो रहे हैं और उसके बाद लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, जिसके बाद उसके मोबाइल
पर जो भी मैसेज या ओटीपी आता है वो एक अनजाने मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड हो जा रहा है, जिसके बाद लोग लगातार ठगी का शिकार हो रहे हैं। कासिल गांव के ही संदीप कुमार ने कहा कि टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से सभी भागलपुर वासी और ग्राम वासियों को सचेत करना चाहते हैं कि इस तरह का कोई एप्लीकेशन अगर उनके मोबाइल पर आता है तो कृपया उसे इंस्टॉल नहीं करें, नहीं तो वो लोग भी इस तरह की ठगी का शिकार हो सकते हैं। 14 तारीख के रात में जो है एक मेरे मोबाइल से क्या था, मेरा मोबाइल हैक कर लिया गया, जो कि मेरे क्या था अकाउंट का ओटीपी दूसरे मोबाइल पे ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होते जा रहा था, और जिसके क्या था 3 बार ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें 2 लाख रुपया जो है एक बार आरटीजीएस के माध्यम, 2 बार आरटीजीएस के माध्यम से, 1 बार एमपीपीएस के माध्यम से बैंक द्वारा बताया गया, एक कलकत्ता पैसा गया है, एक क्या था बरेली गया है, इस तरह करके गया है, जिसे ऑटो जिसका कंप्लेन हम साइबर थाना दिए हुए हैं, इस पर क्या था थाना प्रभारी हम साइबर थाना से क्या था हाथ जोड़ते हैं कि मेरे इस पर अच्छी तरह से कार्रवाई की जाए। मैसेज जिस तरह से ओटीपी और आता है उसी तरह, लेकिन ऑटोमेटिक एक अननोन नंबर है, उस नंबर पे ऑटोमेटिक फॉरवर्ड होते जाता था। अब यह क्या आता है 12 बजे से हुआ स्टार्ट किया था, 2:30 बजे तक में 2-3 ट्रांजेक्शन करके 2 लाख रुपया निकाल लिया, मैसेज भी आता लेकिन ऑटोमेटिक उस पर फॉरवर्ड होता जाता है एक अननोन नंबर पर। कितना लोगों को नुकसान हुआ है इस? यह सर क्या आता है बहुत मेरे गांव में भी बहुत के साथ हो चुका है, लगभग 4-5 केस हमको देखने के लिए मिल गया, और साइबर थाना गए थे बहुत ऐसा केस बहुत देखने के लिए मिल रहा था। इस न्याय चाहते हैं सर इसका? सर क्या कहते हैं, हम लोग के यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे एरिया में एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो रहा है, और वो फॉरवर्ड भी ऑटोमेटिक हो जा रहा है, और वो जो भी इंस्टॉल कर ले रहा है उसका मैसेज स्वतः जो है कि किसी अदर नंबर पे, जैसे कि आपके बैंकिंग का ओटीपी उनके पास शेयर हो जा रहा है। मेरा भाई 15 तारीख की सुबह में इस ठगी का शिकार 6 लाख का हुआ, और मैं कल 20 तारीख के डेट में 5 बार 5,100 रुपये का मेरा फ़ोनपे का मतलब जो है कि लॉगिन हुआ, और मेरे साथ भी 5,100 रुपये का फ्रॉड हो चुका है, और इनका आवेदन सर मैं साइबर थाने में दिया, और अभी तक पुलिस जो है कि कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, और इस पे जो है कि हम हमारे पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि इसको संज्ञान में लिया जाए, जिससे कि मतलब और भी जनता मेरे एरिया के गोराडी सनोला क्षेत्र के ग्रुप में बहुत ज़्यादा ये फैल चुका है। कितने लोग अभी तक शिकार हुए? अभी तक सर मेरे जानकारी में कम से कम 10 लोगों के मोबाइल में ये मैसेज इंस्टॉल हो चुका है। हम 2 भाई तो शिकार हुए ही हैं, और सभी का ओटीपी आता है लेकिन वो संभल जा रहा है। मैंने सभी ग्रुप में भी ये अनुरोध कर दिया है, और अंग प्रदेश के माध्यम से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी जनता अलर्ट हो जाए, और एसएसपी महोदय से सादर विनती है कि इस क्राइम से बचा जाए, क्योंकि हम युवा किसी छोटी छोटी बचत पूंजी को रख के आगे बढ़ रहे हैं, और साइबर क्राइम वाला हम लोग को लूट लेके चला जा रहा है। मोबाइल पे भी मैसेज आया, लेकिन हमारे ग्रुप में पहले से आया था कि मैसेज आया था जो कि एप्लीकेशन टाइप का है, उसी टाइप से आया था, लेकिन ग्रुप में आ रहा था कि इसको इंस्टॉल नहीं करना है, फिर भी हम डाउनलोड कर चुके थे पहले, लेकिन मेरे साथ ठगी नहीं हुआ है, लेकिन मैसेज सबके मोबाइल पे आता है। चाहते हैं सर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, और जो गिरोह ये काम कर रहा है उसको कार्रवाई हो सर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है, और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है,
जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी तेज है। सभी राजनीतिक दल जीत का सेहरा पहनने के लिए एक से एक दाव पेच आजमा रहे हैं। उसी कड़ी में आज AIMIM पार्टी ने भी एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता को साझा किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए AIMIM भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष हाजी साहिन ने बताया कि देश को विकसित और विकासशील बनाना है तो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई कम करना होगा, जिसके लिए हमारी AIMIM पार्टी विशेष रूप से काम करती है और एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारे बैरिस्टर साहब का, हमारे सदर साहब का जो ऐलान हुआ 11 सीट पे लोकसभा लड़ने का, जिसमें के एक भागलपुर का भी चुनाव हुआ और इसी की शुक्रिया अदा करने के लिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और हमने अपनी मजबूती को प्रदान करने के लिए, सामने वाले को बताने के लिए कि हम हर एतबार से इस भागलपुर लोकसभा में मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों का नाम भी आया है और वो नाम जो है हम आलाकमान को भेज दिया गया, ठीक है। अब वह आलाकमान का जो भी आदेश होगा हम लोग उस पर लब्बैक रहेंगे और इंशाल्लाह इसको जमीनी स्तर से मजबूती से लड़ेंगे और बेहतरीन लड़ाई लड़ेंगे। क्या एजेंडा रहेगा चुनाव में लड़ने का? चुनाव में एजेंडा ये है कि सबसे हम लोगों ने जितनी भी पार्टी को वोट दिया, है हम लोगों के हित में कहीं कुछ बेनिफिट नहीं मिला। और ये लोग जो बोलते हैं कि बस हम ही हरा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहीं कोई, क्योंकि इसका अगला जो 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें रिजल्ट आ गया कि 39 सीट एनडीए ने जीता था और मात्र एक सीट जो है अभी जो इंडिया गठबंधन बना है वो एक सीट हासिल किया। डॉक्टर तनवीर हसन, अपना भी नाम दिया हूँ, अब है कि पार्टी की जो राय होगी वो काबिल कबूल होगी, पार्टी जो भी निर्णय लेगा उसको माना जाएगा, पार्टी का हुक्म सर आँखों पर उसको मानते हुए अपने को बीड़ा को आगे उठाना है। पार्टी टिकट दे तो भी हम पार्टी के का चुनाव लड़ के और ये दिखला देंगे भागलपुर की धरती को कि भागलपुर को भागलपुर का बेटा मिला है। कोई जो है तो परिवार की बात की राजनीति नहीं, हम लोग बहुत निचले स्तर से आके राजनीति कर रहे हैं और बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि कुछ लोगों को आपने मौका दिया और फिर लगातार फिर उन्हीं को आप देखते चले आ रहे हैं। कुछ लोग मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है और आके यहाँ राजनीति कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, मेरा हक बनता है कि आप जब हम यहाँ से टिकट मिले तो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ और मेरा हक बनता है कि जिला की जनता हमें वोट करे। गर्चे अगर मुझे टिकट नहीं भी मिलता है, जिसे भी पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ साने बसाने खड़ा रहूंगा, कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूंगा और ये मैं बतलाने का काम करूंगा कि स्मार्ट सिटी होता क्या चीज है। आप कचरे के डब्बे पर सिर्फ स्मार्ट सिटी लिखवा देने से स्मार्ट सिटी आपका नहीं बन जा रहा है। ये भागलपुर के साथ बहुत बड़ा ये समझिए हमारी दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे लोगों को चुना है जो कि भागलपुर को जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो सका है। हवाई अड्डा आज तक नहीं बन सका। मेरे पास प्रमाण है कि हमने हवाई अड्डे के लिए कितनी बार चिट्ठी लिखा। मेरे पास प्रमाण है कि हमने डीएम के जनसंवाद में जो हवाई अड्डे की आवाज़ उठाई वो आज तक रिकॉर्डिंग है, वीडियो वायरल होकर घूम रहा है। जो मौजूदा नेता हैं वो प्रमाण तो दिखाएं कि हवाई अड्डा के लिए क्या किया है। कोई फिल्मी दुनिया से आके लड़ने की बात कर रहा है तो कोई कई बार लड़ करके
सिर्फ पार्टी के नाम पर, उसके अंदर कोई क्वालिटी नाम की चीज नहीं, कोई गुण नाम की चीज नहीं है। ऐसे लोग आकर के जो है तो चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी सरपरस्ती कर रहे हैं, ये आपको सोचना होगा कि हमें कैसा नेता चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि पार्टी का नाम पर आ गए, आप किसी को भी जो तो अरे गहरे रत्तू खहरे को आप दे दिए टिकट और आ गया, जीत गया, फिर जो है तो जाकर सो गया। ये मालवाड़ी युवा मंच भागलपुर इकाई द्वारा 6 दशकों से चली आ रही सांस्कृतिक व साहित्यिक परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी 23 मार्च शनिवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन मित्र वसंत गोष्ठी कराने का निर्णय लिया गया है। यह शानदार 61वीं प्रस्तुति है जिसमें देश के ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय कवि अपनी अनूठी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति करेंगे। कार्यक्रम में प्रभारी जगदीश चंद्र मिश्रा और पप्पू ने बताया कि इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोगों की भी उपस्थिति रहेगी। यह कार्यक्रम भागलपुर के मालवाड़ी पाठशाला मैदान में आयोजित की जाएगी। जानकारी प्रेस वार्ता में जगदीश चंद्र मिश्र पप्पू ने दी। प्रेस वार्ता के दौरान मालवाड़ी युवा मंच भागलपुर इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। बड़ा हर्ष का विषय है कि भागलपुर की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन करते हुए हमने पुनः इस वर्ष भी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। 61वीं प्रस्तुति होगी इस बार की और चीर परिचित अंदाज में देश के नामचीन मूर्धन्य कविवर अपनी रचनाओं से भागलपुर के श्रोताओं को ओतप्रोत करेंगे। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच द्वारा या अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का जो उद्देश्य है कि आज के इस तनावपूर्ण जीवन में जहां चेहरे से हंसी मुस्कान छिन्न सी हो गई है, उसमें कुछ समय के लिए हम पुरजोर तरीके से उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साहित्य चेतना जागृत हो एवं कवियों की रचनाओं से जो हमें संदेश मिलता है उससे समाज राष्ट्र में जो प्रगति होती है उसे भी हमें लाभ मिलता है। नौगछिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नौगछिया पुलिस ने 1,00,000 के इनामी कुख्यात अपराधी राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। राहुल यादव को असम के गुवाहाटी से गिरफ्तार किया गया है। 8 मार्च को प्लॉटर व प्रमुख के बेटे मिथुन यादव के हत्या मामले सहित कई हत्या व लूट मामले में वो मुख्य आरोपी है। पुलिस को काफी दिनों से राहुल यादव की तलाश थी। कुख्यात छोटवा यादव ने सलाखों के पीछे रची थी मिथुन की हत्या की साजिश। राहुल यादव को इसकी सुपारी मिली थी। प्लॉटर की हत्या कर राहुल फरार हो गया था। राहुल यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा स्पेशल टीम का गठन किया गया था। जी, नौगछिया जिला पुलिस एवं एसटीएफ के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करके असम राज्य से राहुल यादव को पकड़ा गया है। दिनांक 8 मार्च को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मिथुन यादव की हत्या कर दी गई थी। इसी हत्या के क्रम में राहुल यादव को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में भी विनोद यादव के हत्याकांड में वांछित था। इसके अलावा पचगछिया में जनवरी माह के अंत में फायरिंग की गई थी रंगदारी के उद्देश्य, उस केस में भी ये वांटेड था। इस पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। जी, इस हत्याकांड में इसने कुछ लोगों के नाम हमें बताए हैं जो इसके साथ शामिल थे। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी एसआईटी गठित की गई है, वो छापेमारी कर रही है। इसको किसी पुराने अपराधी ने, इसका नाम मैं अभी आपके सामने नहीं लेना चाहूंगा, वह उस जमीन पर कब्जा करना चाह रहा था। यह जमीन मिथुन यादव के पास थी। मिथुन यादव इस पर अपना गोदाम बना रहा था। उसी जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से उस अपराधी ने इसे 60,000 से 70,000 रुपए एडवांस के तौर पर दिए थे एवं अन्य रुपए घटना होने के बाद देने की बात कही। इस पर लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले हैं। जैसा कि राहुल यादव यहाँ एक रंगदार के रूप में पहले से भी जेल गया हुआ है। इसके अलावा मर्डर केस में भी ये जेल गया हुआ है, परंतु पिछले 7-8 सालों से पुलिस को इसकी तलाश थी। सुल्तानगंज थाना परिसर में होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष प्रेमचंद ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, बीडीओ संजीव कुमार, सीओ रवि कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी नीलिमा कुमारी, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, उप सभापति नीलम देवी उपस्थित थे। बैठक में वार्ड पार्षद, मुखिया, राजनीतिक संगठन के सभी दल के पदाधिकारी के साथ संयुक्त बैठक करते हुए होली पर्व शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू होने के बाद होली पर्व पर आचार संहिता का पालन करते हुए होली पर्व मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।